अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बंजार हिल पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके हकीम पेट टोली चौकी बख्तावर गुड़ा में एक खदीम बर्फ फैक्ट्री थी जो अब वहां पर नहीं है। अब इसका फायदा उठाते हुए कुछ गैर समाजी अनासर वहां पर बैठकर शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। वहां की अवाम बहुत परेशान होते हुए पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब देखना है उसका असर क्या होता है, क्योंकि शरीफ लोग तो ये चीज़ें पसंद नहीं करते। अब वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ही परेशान हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज की ये रिपोर्ट। में हकीम पेट टोली चौकी में एक बख्तावर गोड़ा एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे खदीम बर्फ़ फैक्ट्री थी। उसको बर्फ़ फैक्ट्री ख़त्म हो गई और वो बर्फ़ फैक्ट्री में गैर समाजी अनासिर रोज़ाना बैठ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और ड्रग्स के टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। न सिर्फ पी रहे हैं बल्कि उसके साथ फरोख्त भी कर रहे हैं। कई लोगों को बिठा के पिला रहे, गांजा पिला रहे, गोलियां खिला रहे और ये खा के और पी के ये एक साथ गाली गलौज करते। लोगों का जीना यहाँ पे महाल होगा। शुरफाओं की बस्ती है, ये बस्ती में लोगों का जीना महाल होगा। औरतें और जवान लड़कियाँ और ख़वातीन यहाँ से गुजरना मुश्किल कर दे रहे। उनके ऊपर पानी फेंकते, उनके ऊपर फिक्रे कसते। जब यहाँ से जा रहे तो शरीफ औरतें जाने के लिए घबरा रहे हैं और ये गैर समाजी अनासिर का रोज़ का मामूल है। और हम लोग कई दफ़ा बंजारा हिल PS में भी कंप्लेंट करे, आज बख्तावर गोड़ा मेराज कॉलोनी के ये सब लोग आज एकजुट होकर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे और MLA साहब जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब से भी कंप्लेंट करे, उनके पास शिकायत करे। हम सब मिलकर जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब रुकन असेंबली कारवन का शुक्रिया अदा करते कि हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हुए है। DCP साहब से नुमाइंदगी करें और DCP साहब और बंजारा हिल पुलिस हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। वो लोग यहाँ पे कौसर मोहिद्दीन साहब की नुमाइंदगी से कल से यहाँ पे एक पुलिस पिकेट बिठाया जाएगा और ये गैर समाजी अनाजिर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और उन पर सख्त से सख्त सजाएं देने के लिए हम सब बंजारा हिल पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं। क्या है, अब तक हम लोग खामोश बैठे हैं क्योंकि आज करेंगे पुलिस वाले कल करेंगे बोल के हम नज़रअंदाज करते गए। हमारे बच्चे जो है सो लड़ते जाना, झगड़ते जाना, पुलिस स्टेशन चढ़ते जाना, पुलिस वाले कुछ करने वाले नहीं है। आते देख लेते चले आते, सिर्फ पुलिस वालों को सिर्फ मार दिखना, उन लोगों की हरकत नहीं दिख रहे, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। कब तक खामोश बैठेंगे हम लोग, हैं बच्चों से लड़ते रहेंगे क्या? रोज़ हमारा यही काम होगा, हमारा मकान यहाँ है सामने। कब तक औरतें जाना मुश्किल होगा, क्या पानियाँ फेंक रहे हैं, औरतों को ला रहे हैं, गांजे फेंक रहे हैं, लाइटा बंद कर दे रहे हैं, गैर जरूरी हरकतें हो रहे हैं। क्या आप लोगों को दिखना नहीं कि आप लोग पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले अनजान हो जाते, आके देख रहे हैं चले जा रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई हम, हाँ कब तक पुलिस वाले एक्शन ले लेते? खाली वालों को क्या है जो दिया उन्हें उसकी जगाते पुलिस वाले यहाँ पे, आते देख लेते चले जाते पुलिस वाले यहाँ पे, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे। कब तक जाके पुलिस में बोलेंगे? आ रहे घरों पर आके बोल रहे हैं कि इन्हों मारे उन्हों मारे, जो मारे सही बात है, कहीं को मारे उसको पूछ रहे नहीं क्या वजह से मारे, खाली ये बोल रहे हैं कि उसको मार के जख्मी करे वो करके लाओ रिपोर्ट ये करके लाओ, खाली यही छह पुलिस वालों को, दूसरा कुछ भी है नहीं। बच्चे कब तक लड़ते रहेंगे? हमारे बच्चों को क्या छोड़ देना लड़ने? रोज की लड़ाई हो गई, कब तक बोलना? शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, घर में सब छोटे बच्चे हैं, बदबू उठ रही घर में हमारे, कब तक सबर करेंगे बोलो? मकान बाजू में अरे कोई आके कोई MLA साहब को जाके बोल रहे हैं, उनको जाके बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? अब रोज की लड़ाई झगड़े हो जा रहे, पुलिस वाले आ रहे हैं कहीं को मारे किधर मारे, देख रहे हैं चले आ रहे हैं, पुलिस वालों को एक्शन लेने का ही नहीं मालूम है। PS में जा रहे हैं वहाँ पे हम, कब तक सबर करेंगे भाई? कुछ भी यहाँ पे इंतजाम करो हमारे, औरतें जाते आते रहते थूक रहे, गाली गलौज कर रहे, अम्मा बहन के गालियाँ दे रहे, गलीस गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। ज़रा आप लोग एक्शन लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आगे तक कार्रवाई जाएंगी। सर मैं बोल दे रही हूँ आपको, अभी ये लास्ट वार्निंग है, अगर नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ रोज़ यहाँ पुलिस वाले रहना, यहाँ पे एक्शन लेना हमारी गली का पूरा, अगर नहीं लेंगे तो बात आगे तक चले जाएंगी, पूरा कमिश्नर तक जाएंगी, जहाँ तक हुआ करेंगे। क्यों बोलते? औरतें रहते हैं यहाँ पे, आदमी तो सुबह चले जाते हैं यहाँ पे, शाम में आते हैं आदमी 10-11 बजे। कब तक हम सबर करेंगे? कब तक खामोश बैठेंगे? क्या हमारे बच्चों को लड़ने को भेजेंगे क्या? आप लोगों को बोल रहे हैं, लास्ट वार्निंग है पुलिस वालों को भी, अगर यहाँ सही इंतजाम रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जाएंगे वहाँ तक, आगे तक कार्रवाई करेंगे। आप ले रहे हैं मीडिया वाले रहो जो भी है यहाँ पे, आप लोग बोल रहे हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो कार्रवाई दूसरी होगी। मकान देख लो, हम लोग के मकान खरीब में है, यहाँ आके बैठते हैं यहाँ पे, लोग बच्चा को बता रहे हैं, औरतों का तो थूक रहे हैं, ऑटो में झांक रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे बोलो हम लोग?
और यहाँ के गाड़ियों का गैर जरूरी काम करती हैं, सामने भी रख रहे पूरे गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक, बच्चे छोटे छोटे हम लोगों के खेलते रहते हैं। हमारे शौहर सुबह गए तो शाम में आते, फिर हम लोग औरतें अकेले हैं घर में, कहीं बाहर नहीं निकल सकते हम लोग यहाँ पर। अब हमारे बच्चे है बोल के लोग आप फिर भी लड़ रहे झगड़ रहे, उन लोगों का नाम आ जा रहा, बच्चे भी कब तक लड़ेंगे, पुलिस में ले चुप के चले जा रहे हैं लोग अभी। आज की बात ही है, हम ऑटो में आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा देख रहे हैं ऑटो पास हुए तक हम लोग, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे जल्दी से एक्शन लीजिए, छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, अब वही उसमें आके लोग अभी चले जाएंगे। नहीं नहीं करते और तो आ रहे तो देखते, बुरे बुरे लंगे लंगे गालियां दे लेते, शीशे फेंकते, शीशे फेंकते औरतें जब रात को हम लोग काम से आते रहते, हम भी काम पे जाते 10 बजे आते, कभी 9 बजे आते, तो शीशे भिरका के मारते पीते वहाँ मंदिर के पास, एक कुएं कैसी माँ बहन की ऐसी बुरे बुरे गालियां दे लेते, ये तरीका है वो लोगों का बैठ के करने का। मैं अंडिकापुर में, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो गंजेटियाँ मेरे 5000 तनख्वाह की थी, मैं घर में क्या खिलाऊँ बोलो लोगों को, घर में जाके ले जाके देना रहता, सामान लेकर आना रहता, कहाँ से ले आके तुम बोलो। कमेटी साहब से गुजारिश है कि गंजेटियाँ को बर्खास्त कर दे या कुछ एक्शन लो बोल के, मेहरबानी मारे ही मेरे को। मोहम्मद खुर्शीद है, मैं ऐसा साल बख्तियार के बाजू में रहता हूँ। यहाँ पर जब से बर्फ तय की टिकी है उसके बाद से यहाँ पर गुंडा नाखिर बहुत ज़्यादा होगा है, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा है, और इतना चाहिए गालियाँ वगैरह इतना देते हैं, अब टैक्स में आके नौजवान बच्चे जाएंगे क्या हो रहा है ये, उनको अगर समझाएं तो क्या, उल्टा वो लोग आते हैं लड़ने के वास्ते और उल्टा वो लोग खुद कंप्लेंट करके बोलते साहब ये हमारे को ये किए, हमारे पास हमारे। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H News. पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H News, आपकी आवाज़।